मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की पत्नी अर्चना तोमर इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकार हो गई। इसी कारण उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया। उन्हें 1000 बिस्तर अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू में रखा गया है। इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने हजीरा के सिविल अस्पताल पहुंचकर सोमवार को सफाई अभियान चलाया और टॉयलेट साफ कर प्रायश्चित किया। उन्होंने टॉयलेट साफ करते हुए कहा कि जिंदगी में जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती है, लेकिन मैं उन गलतियों पर प्रायश्चित करता हूं और फिर एक बार नए तरह से जिंदगी की राह पर चलने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने हर रोज 10 मिनट सफाई अभियान चलाने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के तंज पर और पीसी शर्मा के मनमानी करने आरोपों पर पलटवार किया है। हजार बिस्तर के अस्पताल में रात मैंने गुजारी। मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके दौरान मैं रात्रि रहा। बहुत मनन चिंतन मेरे मन में रात पर चलता रहा। 57 साल की उम्र हो गई है। इस 57 साल की उम्र में कई इस सेवक से अच्छे काम भी हुए होंगे, कई काम जाने अनजाने में भी गलतियां भी हुई होंगी। प्रारब्ध में भी कई कमियां रही होंगी, तो उन कमियों को सिर्फ मुख से क्षमा मांगने से ही क्षमा नहीं मिलती है। कोई ना कोई सजा जरूर मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म को ठीक करने के लिए भी मुझे कुछ कर्म और